आज से कुछ दशक पहले बॉलीवुड के वजनदार एक्टर्स को भी एक कॉमिक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। टुनटुन जैसी एक्ट्रेसेस को अब एक ऑब्जेक्ट की तरह परोस लोगों को एंटरटेन किया जाता है। शायद यही मानसिकता की वजह से हम अक्सर मोटा मोटी शब्द को सहजता से इस्तेमाल करते आए हैं। हालांकि समय के साथ मेकर्स और बॉलीवुड भी बदला है। अब बॉडी शेमिंग पर सेंसिबल तरीके से फिल्में बननी शुरू हुई है। एक्ट्रेस भी इस पर खुलकर बोलने लगी है। बॉडी शेमिंग पर समय समय पर फिल्में बनती रही हैं, दम लगा के हईशा और भी ऐसी फिल्में हैं जो आपको सीख देती है कि खुद को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। वेल, अब हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म डबल एक्सएल भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बात करती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद के अंदर छिपी कुंठाओं से भी लड़ने की सीख देती है। फिल्म ओवरऑल कैसी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फिल्म की कहानी शुरू होती है मेरठ की रहने वाली राजश्री त्रिवेदी यानी कि हुमा कुरैशी के सपने से, जहां राजश्री शिखर धवन संग डांस करती है। वही बीच में सपने के औजार तोड़ने वाली माँ अलका कौशल की परेशानी है कि बेटी 30 की हो चुकी है लेकिन अब तक शादी के लिए लड़का नहीं मिला है, जिसका मूल कारण वो बेटी का मोटा होना मानती है। हालांकि राजश्री के सपने अलग है, उसे क्रिकेट रिप्रेजेंटर बनना है। वही दूसरी ओर संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती सायरा खन्ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती है। हालांकि अपने वजन की वजह से उसे भी कई ताने सुनने को मिलते रहे हैं। इन दोनों को ही सोसाइटी उनके प्रोफेशन के लिए उन्हें फिट मानती है। तमाम तरह के रिजेक्शन और ताने झेलने के बाद संयोग वक्त इनकी मुलाकात होती है और वहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। कैसे राजश्री और सायरा एक दूसरे का सपोर्टर बन अपने सपने को पूरा करते हैं और दिल्ली मेरठ से होते हुए लंदन की जर्नी में जोई यानी कि जहीर इकबाल और श्रीकांत यानी कि महत राघवेंद्र कैसे उनके लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको थिएटर का रुख तो जरूर ही करना होगा। फिल्म हेलमेट जैसी फिल्म के बाद डबल एक्सएल के जरिए डायरेक्टर सतराम रमानी इस फिल्म को लेकर आए हैं। इस कॉन्सेप्ट के मूल धरता और फिल्म के राइटर मुद्दसर अजीज हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में फिल्म के कुछ लूप होल्स हैं। एक सेंसिटिव टॉपिक पर एंटरटेनमेंट कटर का फिल्म का मजबूत पक्ष है, लेकिन कई बार सीन्स में ओवरडू होने की वजह से मैसेज की संजीदगी पर असर पड़ने लगता है। खासकर फिल्म के कुछ डायलॉग जैसे कि किससे पूछकर देखे हैं सपने, कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड सेट किया है, न जाने हम कब उसको नॉर्मल मान लिए पर आप ताली मारने पर मजबूर होते हैं। कुछ सीन्स बेहद ही इमोशनल होते हैं, मसलन जब राजश्री के टैलेंट को बिना परखे उनकी बॉडी साइज देखकर रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो उसकी चीक होती है वो आपको प्रोवोक करती है। टैलेंट से ज्यादा अपीयरेंस पर तवज्जो देने वाले प्रोफेशन पर कटाक्ष करती है। ये फिल्म फर्स्ट हाफ में थोड़ी खींची सी लगती है, कहानी को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में इसकी एडिट पर ध्यान नहीं दिया गया है। सेकेंड हाफ में फिल्म रफ्तार पकड़ती है और इसी बीच कुछ ऐसे सीन्स या गेस्ट एंट्री होती है जो आपको सरप्राइज करते हैं। कंधे पे फिल्म का भार लिए एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा की कास्टिंग पर फिल्म आधी जंग जीत लेती है। फिल्म के लिए दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने वजन बढ़ाए थे। हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि फिल्म के आखिरी सीन्स में हुए रैंप वॉक में शो टॉपर रही हुमा कुरैशी इस फिल्म में और शो स्टॉपर होती है। मिडिल क्लास लड़की और इसकी परेशानियों को हुमा ने अपनी एक्टिंग के जरिए बखूबी उखेरा है। वही सोनाक्षी सिन्हा एक अर्बन हाई क्लास के अवतार में होने के बावजूद अपनी सहानुभूति नहीं जीत पाती है। हालांकि उनकी एक्टिंग डिसेंट रही है। जहीर इकबाल का किरदार फिल्म में फ्लर्टी कूल लड़के का रहा है, लेकिन कई बार उनकी ओवर एक्टिंग आपको इरिटेट करती है। माँ के रूप में चिड़चिड़ी चिंता जाहिर करती अलका कौशल को आप हर वो मिडिल क्लास मॉम को देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए दिन रात परेशान रहती है। एक लंबे समय पर शुभा खोटे को स्क्रीन पर देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। एक अच्छी नीयत से सेंसिटिव टॉपिक पर बनी इस फिल्म को एक मौका जरूर दिया जा सकता है। कुछ सीन्स को छोड़कर फिल्म आपको कहीं से बोर नहीं करेगी। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक मैसेज तो जरूर अपने घर लेके जाएंगे। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।